एक दो मिनट में हम शुरू करते हैं, आप सेटल हो जाइए, सब लोग अपने फोन्स को प्लीज साइलेंट कर दीजिएगा। दो तीन मिनट में शुरू करते हैं। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे ठीक है। अपनी रचनाओं में कृष्ण के वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस को ही आधार बनाया। कवि रस खान, जिनके जीवन का सार था भक्ति और प्रेम, जो कृष्ण भक्ति में वृंदावन की मिट्टी से ऐसे जुड़े कि मृत्यु भी उन्हें अलग न कर पाई। जो जन जाने एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ आप। लेकिन कृष्ण भक्ति की उनकी ये यात्रा कब और कैसे प्रारंभ हुई और किस ऊंचाई तक पहुँची, इस बारे में जानने के लिए आइए हम उनके जीवन को खंगालते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी द्वारा रचित ये दो पंक्तियाँ हमारे धर्म की संपूर्ण व्याख्या कर देती है। ईश्वर की दृष्टि में जात पात धर्म संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। ये कथन कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रस खान पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति में वो ऐसे डूबे कि हिंदू और मुसलमान के बीच के सारे अंतर भूल गए। का नाम सर्वोपरि है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म शाही परिवार के पठान कुल में हुआ था। जीवन के सारे सुख संसाधन उपलब्ध थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सत्ता के संघर्ष में जब दिल्ली शमशान में परिवर्तित होने लगी तो रसखान का मन विचलित हो उठा। दिल्ली छोड़ वो वृंदावन चले आए और कृष्ण के प्रति ऐसे आसक्त हुए कि बस सदा के लिए यहीं के होकर रह गए। दर्शन के अभिलाषी हो गए। एक कहानी ये भी है कि रसखान ने कहीं कृष्ण के चित्र को देखा और देखते ही ऐसे मोहित हुए कि दर्शन पाने स्वतः वृंदावन तक खींचे चले आए। कृष्ण के दर्शन हेतु मंदिर गए मगर मुसलमान